हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है, ओके, जो कि रिलेटेड टू द पैरामेडिकल पोस्ट, ओके, उसके बारे में पूरे महाराष्ट्र में कितनी वैकेंसी है जो कि निकली है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ओके, जो कि निकली है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकली है? देखो, यहाँ पे पोस्ट लिखे हैं। अब ये वैकेंसी महाराष्ट्र रीजन के, महाराष्ट्र में बहुत सारे 3 या 4 ESIC के हॉस्पिटल है, प्लस डिस्पेंसरी कम ऑफिस ब्रांचेस है। वहाँ वहाँ पे फार्मासिस्ट लगते हैं और बाकी ECG टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सभी आपको लगेंगे हॉस्पिटल में। 3 हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, एक मुंबई में है, एक पुणे में है एंड एक कोल्हापुर में है, ठीक है। तो तीनों के तीनों इसमें ये पोस्ट भरी जाने वाली है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हम बात करेंगे, पैरामेडिकल पोस्ट है तो कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, इसकी सैलरी क्या बनने वाली है एंड इसके लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब तक एग्ज़ाम होने वाला है, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ECG टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है 3, ओके, एक ओपन की, एक OBC की एंड ST की, ठीक है। उसके बाद जूनियर रेडियोग्राफर की 14 है, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं उनकी 21 है, MRD जो असिस्टेंट होते हैं, ओके, मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शंस में उनकी 5 है, OT असिस्टेंट 13 लगने वाली है एंड जो फार्मासिस्ट है वो 12 लोग लगने वाले हैं, ओके, और रेडियोग्राफर जो रहने वाले हैं उनके 3 जगह है। ऐसे मिला के ऐसे यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख सकते हो। लगभग यहाँ पे वैकेंसी जाएगी एक 60 वैकेंसी लगभग जाने वाली है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यह वैकेंसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप ECG टेक्नीशियन के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी लेवल 4 बनने वाली है, 25,500 आपका बेसिक बनने वाला है स्टार्टिंग, ओके। आपका एज ग्रुप 18 से 25 के बीच में चाहिए। अगर आप ESIC के एम्प्लॉई हो, ओके, तो उनको एज रिलैक्सेशन है, तो वो आप बाद में बात करेंगे। 18 से 25 आपकी एज ग्रुप आपको ध्यान में रखना है, ओके। 25 साल के ऊपर है तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ओपन कैटेगरी हो, ओपन के हो, तो 25 तक ही आप फॉर्म भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th लगने वाला है, प्लस आपको 2 साल का ECG का डिप्लोमा लगने वाला है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट का। देन MRD के लिए लेवल 2 है, 19,900 का बेसिक बनने वाला है। दिस इज़ प्योरली बेसिक, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक सैलरी। इसमें TA, DA, HRA बन के काफ़ी बढ़िया सैलरी बनती है, ठीक है, भले चाहे वो MRD असिस्टेंट रहे, ECG टेक्नीशियन रहे, रेडियोग्राफर रहे, ओके। इसका भी 18 से 25 ही एज बोला है, ठीक है। आपके 12th 12वीं चाहिए, देन आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ट्रेनिंग का फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। उसके साथ ही आपको टाइपिंग का ये चाहिए, ओके, यानी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ओके। आपको ये सब चाहिए, 35 वर्ड्स आपके हिंदी के, सॉरी इंग्लिश के, एंड 30 वर्ड्स आपके हिंदी के, एंड ये टाइपिंग, ओके, MRD के लिए टाइपिंग कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद है इसमें रेडियोग्राफर के लिए भी सेम ही है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। लेवल 3 है, 21,700 का आपका बेसिक बनने वाला है, 18 से 25 आपका एज ग्रुप, 12 चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा 2 साल का चाहिए आपको रेडियोग्राफी का। डिग्री और डिप्लोमा एनीथिंग, ओके, मिनिमम डिग्री चाहिए, मैक्सिमम डिग्री भी चलेगा, और सॉरी डिप्लोमा चाहिए, मैक्सिमम डिग्री भी चलेगा। OT असिस्टेंट का भी वही है, लेवल 3 का है, 21,700 का बेसिक बनने वाला है, ओके। हाँ, OT असिस्टेंट के लिए उन्होंने बोला है कि 35 ईयर्स तक उन्होंने बोला है, ठीक है, कितने, नॉट एक्सेडिंग 32 ईयर्स तक आप अप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको OT असिस्टेंट के लिए 12th आपका होना चाहिए साइंस से, 12th साइंस से, ओके, सॉरी, सब साइंस के 12th साइंस ही चाहिए सभी पोस्ट में, ओके। उसके साथ में OT असिस्टेंट, ओके, क्वालिफिकेशन चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन OT ऑफ द रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, ओके। देखो, एक तो उन्होंने 12th साइंस बोला है और आपको इक्विवेलेंट OT असिस्टेंट का जो डिप्लोमा होता है, ओके, वो चाहिए, ओके।
एंड ए 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल में एज ए ओटिस्टेंट, काम किया है वो वाला, ठीक है ओके। देन उसके बाद फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए क्या है, फार्मासिस्ट के लिए भी आपको है लेवल 5 है 2900-2200 ओके। ये आपका बेसिक बनने वाला है 29,200 का, बट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में डायरेक्ट 4200 में जाता है फार्मासिस्ट के लिए। तो ये बहुत बढ़िया मौका है फार्मासिस्ट को, 2 साल में ही आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो जाता है FU, वो 4200 में आप चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी 32 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो ओपन के कैंडिडेट हो, तो आपको डिग्री चाहिए कि वो डिप्लोमा फार्मेसी का चाहिए ओके। इतना है रेडियोग्राफर के लिए लेवल 5 29,200 का ये, इसमें भी 18 से 25 तक ही आप फॉर्म भर सकते हो। 12 चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी चाहिए एंड उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, ठीक है। देन जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, इसमें भी लेवल 5 है, 29,200 का बेसिक बनता है, 18 से 25 का आपका ये चाहिए, एज चाहिए ओके। और 12th पास आपका साइंस प्लस डिप्लोमा चाहिए मेडिकल, DMLT जो रहती है वो डिज़ायरेबल, अगर डिग्री है आपके पास DMLT के वाली मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की तो वो बहुत ही अच्छा, आपको डिज़ायरेबल हो आप, ठीक है। ऐसे मिला के आप एज रिलैक्सेशन हम लोग देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन इसमें अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए 25 है कहीं तो भी 32 है, अगर आप पर्टिकुलर SC ST के हो तो इसमें आप 5, इसमें आप 5 ऐड कर सकते हो, OBC तो इसमें 3, इसमें 3 आप ऐड कर सकते हो, 5 निकाल दो, ठीक है समझ में आ गया। मतलब 32 साल तक बोला है OT असिस्टेंट के लिए, आप 3 साल अपन ऐड देंगे OBC के, तो 35 साल तक आप लोग दे सकते हो, ठीक है। जिसमें 25 बोला है इसमें 3 कर दो, 28 साल ओके, ऐसा OBC के लिए ओके। ये देखो SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस ओके। फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए ये कोटा दिया है, एक सर्विस मैन के लिए भी उन्होंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। अगर आप ESIC के एम्प्लॉयज़ हो, आप यहाँ पे परमानेंट ये वगैरह नहीं बोला है, ESIC के एम्प्लॉय हो और गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है ओके। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम अप्लीकेशन शुड नॉट हैव स्टेटस ऑफ ESIC गवर्नमेंट टिल द सिलेक्शन ओके, ठीक है। अगर आप ESIC में काम कर रहे हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। अदर कैटेगरीज के पर्सन के लिए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ओके। उसके बाद आप इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए ओके, ये तो बाकी नेशनलिटी के है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लीकेशन फॉर्म इसके शुरू हो जाएंगे अप टू 30/10 तक ओके। समझ लो अभी मुझे लगता है कि फर्स्ट से शुरू हो जाएगा अक्टूबर से ओके, लास्ट डेट रहने वाली है 30 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हो, और इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉबली 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा ओके। समझ लो एक दिसंबर में इसका एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, अब पूरा ये आप अच्छे से अप्लाई करने के पहले सब कुछ पढ़ लेना, आपको किस कैसा किस किस में कैसे कैसे सिग्नेचर फोटो ये सब कुछ, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना है ओके। ये वाला हैंड रिटन ये रहता है ना वो ओके, ये भी लिखना है, डिक्लेरेशन देना है ओके। पूरा अच्छे से पढ़ के ही फॉर्म भरना है, अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे बना है ओके, कहाँ पे जाके फॉर्म भरना है आपको, यहाँ पे जाके फॉर्म भरना है www.esic.gov.in, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल पोस्ट इन ESIC, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करके आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाना है। पूरा फॉर्म होने के बाद आपने जो पेमेंट की है वो भी रिसिप्ट, पेमेंट की रिसिप्ट ओके, एंड जो फॉर्म भरते हो उसकी प्रिंट लेके आपके पास रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है, इसकी फ़ीस लगने वाली है आपको, अगर आप SC ST फीमेल रिजर्वेशन ओके, SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड ESIC के टेम्पररी अगर कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो एक सर्विसमैन ने, तो आपको ₹250 लगेगा, और वो भी फीस अगर आपने एग्ज़ाम होती है फर्स्ट टायर जो होती है वो देने के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगी ओके। अदर कैटेगरीज के लिए ₹500 है ओपन एंड OBC के लिए, ठीक है, एंड EWS के लिए ओपन OBC EWS इनके लिए ₹500 का ये है। ऑनलाइन मोड आप भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है ये सब कुछ यहाँ पे गाइडलाइन दी है, तो प्लीज़ वो पढ़ लेना आप, ठीक है। अभी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम कैसे होगी, तो इसमें आप देखो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज ओके, जैसे कि OT असिस्टेंट रेडियोग्राफर टेक्नीशियन है, ठीक है, MRD वाले को छोड़ के, ठीक है, MRD वाले भी के लिए भी टेक्निकल नॉलेज ही है। फर्स्ट है फेज़ 1 एग्ज़ाम, तो बेसिकली MRD
टेक्नीशियन या MRD जो असिस्टेंट है, ओके, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट जो है, उसको छोड़ के बाकी के सबकी रिक्रूटमेंट फेज़ वन से ही हो जाएंगी। फेज़ वन के जो फाइनल मार्क्स रहेंगे उसके ऊपर ही आपकी मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन होगा बाकी के लिए। MRD के लिए आपको टाइपिंग के लिए, टाइपिंग की भी आपको एक टेस्ट देनी पड़ेगी, पहली ये फेज़, दूसरी ये फेज़, ओके। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो 50 MCQ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 MCQ आएंगे, तो 50 MCQ आएंगे तो इसमें 100 मार्क्स 1:2 आपको दिया गया है, ओके। देन उसके बाद GK के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, उसको 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस के 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, अरिथमेटिक एबिलिटी के 20 20 मार्क्स, ऐसे मिला के आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके। 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके मार्क्स 150 बनेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम आपकी हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होने वाली है, ओके। आपको मिलने वाला है 120, 2 घंटे का समय मिलेगा प्रोफेशनल के लिए, 60 मिनट और 60 मिनट दूसरे इसके लिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक एबिलिटी के लिए 60 मिनट, ऐसे मिला के 2 आर का आपका पेपर रहेगा। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, ओके। तो इसमें उन्होंने ये रखा है, ठीक है, तो प्लीज़ ये आप ध्यान में रखना है कि इसमें निगेटिव मार्क्स है, तो आपको देखना अगर इसमें भी क्या होता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया है, बट अगर इसमें भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगी तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो प्लीज़ कंसेप्ट ध्यान में रखना, ओके। क्वालिफाई ओके, ओपन के लिए 45% मार्क्स लाना पड़ेगा आपको, देन OBC के लिए 40%, ओके, एंड EWS कैटेगरी के लिए UR के लिए 45, OBC के लिए 40, EWS OBC एंड EWS के लिए 40%, SC ST के लिए 35%, ओके, एंड SC ST एक्स सर्विस मैन के लिए 30% एंड 30% PWD कैंडिडेट के लिए आपको लगने वाले हैं, ओके। ठीक है, MRD वाले के लिए कैसे क्वेश्चन है, MRD के लिए आपको देखो, MRD के लिए आपको टाइपिंग होने वाली है, डाटा एंट्री और MRD वाले के लिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग फेज़ वन एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जाम कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटर्न, ओके, बट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट दे हैव टू परफॉर्म टाइपिंग एंड डाटा एंट्री टेस्ट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ESIC सगळे फॉर्मॅटसुद्धा दिलेले आहेत, तर तुम्ही OBC जर करत असेल तर दिस इज द OBC सब अदर बॅकवर्ड क्लास अपॉइंटमेंटसाठी हा ये फॉर्मॅट दिया है, तो ये फॉर्मॅट में ही आपको बनने को होना, ओके, तो वो ॲक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो, ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। ये कम्युनिटी, ये सब कुछ लिख के आपको ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब, ओके। देन उसके बाद ये इनकम, EWS जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ऐसे फॉर्मेट में, ओके, EWS जो रहते हैं ना कैंडिडेट, उनके लिए ये ऐसा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, तो ये आपको भरवा के लेना है। देन उसके बाद ये है एक्स सर्विस मैन के लिए, ये चीज़ आपको भरवा के लेना है, दोज हु आर अप्लाइंग फ्रॉम द एक्स सर्विस मैन दे हैव टू फिल दिस फॉर्म, ओके। देन नेक्स्ट है ये ESIC एम्प्लॉय या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये आपको भर के लेना पड़ेगा अपनी अथॉरिटी से, ओके। देन डिफेंस पर्सन के लिए ये एक सर्टिफिकेट है, उसके बाद फिजिकल लिमिटेशन एग्जामिन इन रिटर्न ये भी आपको लेना पड़ेगा जिसको हैंडीकैप वगैरह कैंडिडेट है उनके लिए, ओके। सो होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि देखो ESIC ने बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आए हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की वैकेंसी है, महाराष्ट्र में है आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। महाराष्ट्र में बता दिया वो मैंने कि 3 जगह पे हॉस्पिटल है, एंड जो फार्मासिस्ट रहेगा उनका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी ESIC की डिस्पेंसरी ओपन हो रही है, ठीक है। उसके साथ ही सैलरी भी अच्छी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जल्दी से पढ़ाई पे लग जाइए, विद इन 1 से 1.5 महीने में आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगी, दिसंबर के पहले वीक में हम लोग समझेंगे कि ये इसकी एग्ज़ाम हो सकती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और डाउट है कुछ रिलेटेड टू द ESIC वैकेंसी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ओके। साथ ही आपको बताना चाहूँगा ESIC की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो कमिंग सून है, ठीक है, डेफिनेटली विद इन 1 मंथ ESIC की वैकेंसी आ जाएंगी। और ये जो वैकेंसी पैरामेडिकल की निकली है ये ऑल ओवर इंडिया है,
अगर आपको लगता है कि आपको आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर जॉब करना है तो डेफिनेटली आप दूसरे रीजन में भी फॉर्म डाल सकते हो जहाँ पे इसकी वैकेंसी ज़्यादा है। तो देखो यूपी है, पूरे जितने भी स्टेट है इंडिया में मैक्सिमम 20-30 स्टेट में ये ESIC की वैकेंसी है। तो ये जो मैंने दिखाई ये सिर्फ महाराष्ट्र की है, आपको और देखनी है तो आप www.esic.nic.in यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे आपको सर्कुलर में आपको पूरी वैकेंसी मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कौन से रीजन में ज़्यादा वैकेंसी है, आप देख लेना कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आपके आजू बाजू में, ठीक है, यूपी, दिल्ली, बहुत जगह में ESIC है, तो वहाँ वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।